वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। वीकली व्यू ले लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, पूरे कमिंग वीक में कैसे मोमेंटम हो सकती है। कल मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे, साथ में इंट्राडे एंड मेजर स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50 वीकली कैंडल ओपन है। लास्ट वीक का क्लियर डिस्कशन था कि ये जो रेड कैंडल बना है ना 17500 से 16850 तक का, ये रेड कैंडल बनने के बाद में भी मार्केट यहां से बुलिश नहीं होगा, नई गिरावट दिखाएगा, कमिंग वीक के अंदर मार्केट होल्ड करेगा। अभी ये क्लियर डिस्कशन के बाद में आप देखेंगे ये करंट वीक मार्केट पूरा होल्ड कर गया, एक नेगेटिव कैंडल तो बनी है, रेड कैंडल है, बट यहां पर होल्ड कर गई ना, ये नीचे लो ब्रेक कर पाई ना ओवर बुलिश साइड में जा पाई, तो यहां पर अभी हमारे लिए एक वीक की साइन है क्योंकि मार्केट नीचे के लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। साथ में एक इनसाइड पैटर्न भी बना रहा है निफ्टी वीकली बेसिस पर, अगर 750 नीचे टूटेगा 16750 तो एक और सेलिंग हमें मार्केट में दिखाई देगी। अगर आप यहां पर कंटिन्यू रेड कैंडल्स देखेंगे तो तीन रेड कैंडल्स बनी है जो एक और वीक साइन हो जाता है, साथ में इस वीक होल्ड भी कर गया, मतलब अनदर वीक साइन ये हमारे लिए अभी मार्केट में हो जाता है। अगर एक इंट्राडे डेली बेसिस पर आप कैंडल देखेंगे जो लॉन्ग टर्म चार्ट की है, यहां पर ये हाई पॉइंट्स को लेके एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी है, पहले भी बताया था मार्केट इसके ऊपर यहां पर गया, पहले सपोर्ट लिया, अभी यहां पे वापस इसी ट्रेंड लाइन के नीचे होल्ड कर रहा है। 16750 नीचे टूटेगा तो बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, 16300 और 16000 तक की सेलिंग भी आने वाले कमिंग वीक्स में आपको एक दो वीक में दिखाई दे सकती है अगर 16750 के नीचे मार्केट होल्ड करता है। तो डेली कैंडल में चल के देखते हैं यहां पर कौन से लेवल्स हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप देखोगे 17200 पे रिजेक्शन मिला, नीचे 16850 पे रिजेक्शन मिला, 16850 से 16750 16850 टू 750 पूरा सपोर्ट जोन का काम करेगा, ये जोन हमारे लिए ऊपर आता है तो 17200 से 250 ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, 250 के ऊपर निकलेगा तभी बुलिश व्यू लेंगे, अदरवाइज इसी मोमेंट के अंदर 16750 लो 17250 हाई इसी 500 पॉइंट के बीच में हम ये वीकली कैंडल फिलहाल देख रहे हैं। यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। यहां पर आप देखेंगे जो फ्राइडे का एक ब्रेकडाउन मिला वो हमें यहां पर 17000 के नीचे दिखाई दिया, मतलब 17000 फ्राइडे को साइडवेज हुआ, उसके बाद में 17050 तोड़ के ये एक सेलिंग दिखा दिया। अभी अगर कल गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो वही 17000 17050 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब एक गैप अप ओपनिंग में 17000 से लेकर 17050 के आसपास एक नेगेटिव कैंडल देख के यहां पर बेचना, एक सेलिंग ट्रेड मिल जाएगा, बट इसके लिए गैप अप आना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश होना है तो 17100 के ऊपर एक छोटा बाय ट्रेड मिलेगा क्योंकि यहां पर एक रेंज बनी थी, 17100 के ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड जाएंगे, पर 17200 तक, ओनली 17200 तक, 200-250 के आसपास देखेंगे क्या कर रहा है। अगर एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दे रहा है 250 के ऊपर तो बाइंग साइड में जा सकते हैं, नहीं तो 200-250 के आसपास फिर से नेगेटिव कैंडल देख के लॉन्ग टर्म सेलिंग प्लान करेंगे, ये क्लियर प्लान है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग है, एक गैप डाउन देके सेलिंग दिखा रहा है तो सेल मत करना, इसका एक रीजन है 930-920 फ्राइडे को लो लग चुके हैं। अगर आप देखोगे 16900 पे भी आप निफ्टी को यहां पर सेल करते हो तो सपोर्ट क्या बनेगा, 16850 सपोर्ट बनेगा। 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करना बनता है क्या, 20 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ही लग जाता है, तो इसको ट्रेड करने से मतलब नहीं है। अगर फ्लैट ओपनिंग या एक गैप डाउन मिल जाता है तो सेलिंग ऑलरेडी खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, 16850 के नीचे वीक हो जाएगा, नीचे सपोर्ट बनेगा 16800 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 16750 का, 850 के नीचे सेल कर सकते हैं नो डाउट, या तो ऊपर 17000 के आसपास 17025-30 के आसपास मिले वहां पर सेल कर सकते हैं, बट ये 900 का लेवल मेरे को थोड़ा सा सेल करने के लिए सही नहीं लग रहा, हो सकता है एक मोमेंटम दिखा के ट्रैप करके ये वापस से एक बुलिश मोमेंटम दिखा दे। तो 850 के नीचे निकलता है तो सेलिंग बनेगी 50-50 पॉइंट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, 750 नीचे ब्रेक होता है तो और बड़ी सेलिंग प्लान करेंगे, अगर ऊपर एंड मिल जाता है बेचने के लिए तो 17050-17000 के आसपास हम यहां पर इसको अच्छे से सेल करेंगे। अगर 17100 के ऊपर निकल रहा है तो थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम साइड जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें 39400 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है। वीकली कैंडल आप देखेंगे नो डाउट इसके अंदर भी डेली कैंडल वीकली कैंडल यहां पर नेगेटिव ही है, डेली कैंडल ही इनफ है देखने के लिए। वैसे तो यहां पर ऊपर रिजेक्शन लिया, 40000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल करके जो डिस्कशन था वापस से नीचे आ गया। अभी 39300 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, 300 का जो फ्राइडे को लो लगा उसके नीचे बेच दो, एक अच्छा सेल ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। कैसे ट्रेड करना है मैंने निफ्टी में बताया आपको, अगर फ्लैट ओपनिंग आ रही है या छोटा सा गैप डाउन आ रहा है तो बेचना मत। अगर बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग या छोटा सा गैप डाउन आ रहा है ना तो 39300 के नीचे एक सेल ट्रेड मिलेगा, 300 के नीचे ये सीधा 39000 तक की मोमेंटम मुझे लग रहा है दिखा सकता है, पर बीच में एक और सपोर्ट बनेगा 39160 के आसपास। अगर 39300 के नीचे निकलता है तो सेल बनेगा, 39160 150 पॉइंट का छोटे टारगेट, अगर इसके नीचे निकलता है 39000 अगेन दूसरा टारगेट, 39000 ब्रेक करता है तो 38750 तक की और मोमेंटम आपको सेलिंग साइड दिखाई दे सकती है। अगर यहां पर ऑलरेडी एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आ रही है तो वेट एंड वॉच रखेंगे, क्या रेंज बन रही है, कैसा पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे सपोर्ट पे। अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखा देता है, गैप अप ओपनिंग इन द सेंस
39,550 पे खुल रहा है, 39,550 के आसपास आपको एक सेल ट्रेड यहां पर नेगेटिव कैंडल देख के मिलेगा। अगर इसके ऊपर खुल रहा है तो 39,750 भी एक रेजिस्टेंस है जहां पर नेगेटिव कैंडल देख के बेचेंगे। अगर 39,750-800 के ऊपर जा रहा है तो 40,100 तक यह बुलिश हो सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस नोटिस में रख लिया करो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया करो। 40,100 एक रेजिस्टेंस होने वाला है, उससे पहले 39,750 एक रेजिस्टेंस होने वाला है, 39,550 एक रेजिस्टेंस होने वाला है। नीचे का सपोर्ट अभी बना हुआ है, 39,300 एक सपोर्ट है, इसके नीचे 39,160 एक सपोर्ट है, इसके नीचे 39,000 एक सपोर्ट है। इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले किया करो। नेगेटिव कैंडल मिलती है तो सेल, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो बाइंग साइड में जाएंगे, पर बाइंग साइड में 39,750 के ऊपर ही जाएंगे। अगर हम यहां पर बात करें निफ्टी फिन की, 17,600 के आसपास की क्लोजिंग मिली है हमको, 595-600 के आसपास बंद हुआ है। नीचे का जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 17,550 का, 550 के नीचे निकला तो 17,480 तक की मोमेंटम, इसके नीचे 17,400 तक की मोमेंटम। बट अगर हम यह ऊपर मिलता है निफ्टी फिन 17,700-17,750 के आसपास वापस मिलता है तो वहां पर नेगेटिव कैंडल देख के एक अच्छा सेल ट्रेंड बनेगा। 750-800 ले लो, 750-800 का लेवल रेजिस्टेंस होने वाला है जहां पर बेचेंगे। 800 के ऊपर निकल जाएगा तो थोड़ा सा बुलिश साइड में निफ्टी फिन के अंदर भी शिफ्ट हो जाएंगे। बट फिलहाल यहां पर सेल नहीं मिल रहा आपको, यहां पर आपको सेल तभी मिलेगा जब 17,550 कैंडल में नीचे ब्रेक करता है तो 17,480 और इसके नीचे 17,400 तक की सेलिंग हम प्लान कर सकते हैं। 400 टूटा तो 300 तक की भी गिरावट आपको निफ्टी फिन दिखा सकता है। चलिए मेजर स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला है HDFC बैंक, डेली कैंडल ही देखेंगे मेजर स्टॉक्स के अंदर। यहां पर आप देखेंगे अभी भी रेंज में है, अगर 1530 के नीचे निकलेगा तो सेलिंग है, 1600 के ऊपर बाइंग है, उससे पहले वेट एंड वॉच है। अगर ICICI बैंक को देखें यहां पर ये भी टोटली साइडवेज है, 880-890 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो पोजिशनली उठाएंगे, फिलहाल वेट करेंगे। अगर ये 845 के नीचे इंट्राडे में निकलता है, 845 के नीचे निकलता है तो 845 के नीचे आपको 832-833 तक के मोमेंटम इंट्राडे में देखने को सेलिंग साइड मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक यहां पर नेगेटिव है, 839 के आसपास आ चुका है। अगर 838 के नीचे भी निकलता है तो 830 तक की लेवल, 825 तक का लेवल भी इंट्राडे में कर सकता है। बट ये छोटी छोटी सेलिंग के लिए प्लान मत किया करो, ट्रैप हो जाओगे। या तो इसको 875-80 के ऊपर लॉन्ग टर्म में निकलना है तो 875-80 के ऊपर यहां पर निकलना तो तभी बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज थोड़ी सेलिंग दिखाएगा, यहां पर साइडवेज होगा या तो फिर 820 के नीचे और बड़ी गिरावट दिखाएगा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोटक बैंक, थोड़ा सा पॉजिटिव में बंद हुआ है, 1692 के आसपास की क्लोजिंग है, यहां पर सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ है। बट मुझे नहीं लग रहा है ये यहां से बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, अभी 1715-25 के ऊपर या 1725 के ऊपर एक ट्रेड मिलता है तो सोचे, अदरवाइज यहां पर इग्नोर करेंगे। अगर इंट्राडे में 1675 नीचे ब्रेक होता है, 1675 नीचे ब्रेक होता है तो 1650 तक 25 पॉइंट के लिए इसको हम 2.5% के लिए सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस, देखो नेगेटिव है, 2200 फिर से आ चुका है और यहां पर सपोर्ट बनेंगे 2185 के आसपास। अगर 2185 के आसपास आके 2185 के आसपास आके हैमर वगैरह कुछ दे रहा है तो यहां से एक बुलिश ट्रेड इंट्राडे में प्लान करो। यहां पर आया था, एक बाउंस बैक लिया था, अभी वापस 2185-2190 के आसपास आया, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, जहां पर इंट्राडे में हैमर वगैरह देख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम यही तो रेंज में ही है, 2180 से लेकर 2300 के बीच में रेंज में ही है, कोई बड़ा बुलिश मोमेंटम हम इसके अंदर फिलहाल नहीं देख रहे। 2185 के आसपास उठाएंगे, रिवर्स कर गया, इंट्राडे में प्रॉफिट मिल गया तो बढ़िया है, अगर दो दिन में ऊपर आ गया तो ठीक है, 2300 के ऊपर निकलता है तो एक बुलिश मोमेंटम साइड, पोजिशनल व्यू में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉक है TCS, 3100 जो पोजिशनल व्यू दिया हुआ है, एक ट्रेड दिया हुआ है, 3100 अभी भी होल्ड कर रहा है, ब्रेक नहीं हुआ है, 2990 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड हमारे पास पड़ा है तो यहां पर अभी भी इसको होल्ड करेंगे। अगर इसमें बाउंस बैक मिलना है तो 3170 के ऊपर अगर ये अब निकलता है ना तो यहां से एक बुलिश मोमेंटम 3250 तक की आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अवॉइड करो, या तो 3100 के आसपास उठाओ या तो फिर वेट करो 3200 के ऊपर या 3170 के ऊपर निकलने का, उसके बाद में उठाना, सेलिंग फिलहाल मत करो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंफोसिस, 1380 की क्लोजिंग है, एक गैप अप आया, वापस से शूटिंग स्टार दे दिया, बट ये शूटिंग स्टार किसी काम का नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास है, इतनी गिरावट दिखा चुका है तो यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल, क्योंकि देखो ऑलरेडी इतना गिर चुका है ना, तो ये गिरते हुए मार्केट में ना आप यहां पर पोजिशनल सेलिंग कर सकते हो ना आप यहां पर बिना बेस बने मार्केट में इसको बाय कर सकते हो, तो बेस भी नहीं बना है तो इसको वेट करना चाहिए, थोड़ा और नीचे आने दो, जैसे मैंने आपको हर बार बताया 1340-1350 के आसपास पोजिशनल उठाएंगे तब तक वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HDFC,
देखो बैंक्स को ही फॉलो कर रहा है, नो डाउट फाइनेंस यहां पर बैंक्स को फॉलो कर रहा है। 2540 के नीचे एक मोमेंटम आपको इंट्राडे में दिखाई देगी, 2540 के नीचे ये 2520 और 2500 तक की गिरावट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। अगर बुलिश मोमेंटम में जाना है तो 2600 के ऊपर एक डेली बेसिस पर क्लोजिंग मिले, उसके बाद में बुलिश मोमेंटम प्लान करेंगे। हम इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास जिंदल स्टील। जिंदल स्टील देखो डेली कैंडल में 550 के लेवल को ब्रेक करके यहाँ एक बहुत बढ़िया गैप डाउन दिया है, पर नीचे के जो सपोर्ट है ना वो अभी 524 के आसपास है, बट क्लोजिंग 534 पे मिली है, तो अभी भी 10 पॉइंट है हमारे पास कैप्चर करने के लिए, 2% की मोमेंटम है। कहां पर ट्रेड करना चाहिए इसको? अगर ये इंट्राडे में 532 के नीचे निकलता है, फ्लैट ओपनिंग देता है 532 के नीचे निकलता है, तो 525 तक की मोमेंटम, 7-8 पॉइंट की मोमेंटम आपको इंट्राडे में दिखाई दे सकती है, आप इसको सेल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रामको सीमेंट। देखो यहां पर रेजिस्टेंस के आसपास बार बार बता रहा हूं होल्ड कर रहा है, एक ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा यहां पर 752 के ऊपर, 752 के ऊपर निकलता है तो 760 और 766 तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। 752 के ऊपर इंट्राडे में निकलता है 760 तक बाय करेंगे, दूसरा टारगेट रहेगा 766 का। अगर 10-12 पॉइंट मिल गए तो 2-2.5% की एक बढ़िया मोमेंटम आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मेन स्टॉक्स अदानी पोर्ट्स की। अदानी पोर्ट्स मैंने आपको क्लियर कट 2-3 दिन कंटिन्यू बोला था, एक दिन लेवल दिया, टारगेट क्या हिट ही नहीं हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, बट 650 के नीचे बोला था, 650 के नीचे जैसे ही निकला इंट्राडे में 635 तक के मोमेंटम आपको इसने क्लियर कट दिखाई, जो लेवल मैंने आपको दिया था। अभी अगर ये 632 वापस से ब्रेक करेगा ना, 630 के नीचे निकलेगा, तो 630 के नीचे ये आपको एक बड़ी मोमेंटम और सेलिंग साइड दिखाएगा 600 तक की, बट इतना प्लान नहीं करेंगे। इंट्राडे में 630 के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 620 का, दूसरा टारगेट 616 का, और 616 के नीचे फिर से 600 तक के मोमेंटम हम इसके अंदर इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं, सेलिंग साइड। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास मारिको। मारिको देखो यहां पर जो है एक लेवल को ब्रेक किया है और इसके नीचे एक और मोमेंटम अभी पेंडिंग है, मतलब ये सपोर्ट 482 के आसपास नीचे ब्रेक करके सेलिंग दिखाया है। इंट्राडे में ज्यादा सेलिंग नहीं मिल रही है, पर 1.5-2% मिल जाते हैं, और नीचे का सपोर्ट 482 के नीचे 470 तक का है, अभी चल रहा है 477, तो अगर 475 के नीचे भी बेचने को मिलता है, अगर 475 के नीचे ये इंट्राडे में निकलता है 475 के नीचे, तो 470 और 466 तक की मोमेंटम के लिए आप इसको इंट्राडे में सेल कर सकते हो। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।